कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे जी कि जरूरी नहीं है कि एटमी धमाका किया जाए, लेकिन इसका बुनियादी क्रेडिट जो है वो सुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है। उनसे मुलाकात की डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने और उन्होंने कहा कि अब तो ये लाजमी हो गया कि पाकिस्तान भी एटमी ताकत हो। भुट्टो साहब ने कहा गुलाम इसहाक़ खान को कि इनको पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब कोटा उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने उसकी को सिलेक्ट किया, पहाड़ी इलाका भी था और जो प्रोग्राम है उसको पहाड़ के अंदर महफूज समझा जाता है। मेरे साथ आज मौजूद होंगे पाकिस्तान के सीनियर मुदब्बर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहन और क्यादत में इनका शुमार होता है, और मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनके भी बड़े करीबी साथी हैं, सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक़ साहब। आज उनसे हम तारीखी पहलू के हवाले से, तारीखी हवाला जात पर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, जब 28 मई को आपकी गवर्नमेंट ने उस वक्त एटमी धमाके किए तो इंटरनेशनली कितना प्रेशर था, जिसका आज भी जिक्र किया जाता है कि अगर उस वक्त उसको खातर में ना लाया जाता तो, अगर खातर में लाया जाता तो पाकिस्तान आज शायद इस पोजीशन में ना होता। तो हमें ज़रा वो अब बताइए कि उस वक्त कितना प्रेशर था आपकी गवर्नमेंट पे। जाहिर है आप उस वक्त नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा तारीखी लम्हा था कि इंडिया ने पहले 74 में एटमी धमाके किए, फिर उसके बाद 11 मई 1958 को कर दिए, तो इस लिहाज से बहुत प्रेशर बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे जी कि ज़रूरी नहीं है कि एटमी धमाका किया जाए, लेकिन इसका बुनियादी क्रेडिट जो है वो सुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के कोई एक महीने बाद जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने और उन्होंने कहा कि अब तो ये लाजमी हो गया कि पाकिस्तान भी एटमी ताकत हो, वरना ये इम्बेलेंस इतना हो जाएगा कि उसका बहुत नुकसान हो सकता है। भुट्टो साहब ने इससे इत्तेफाक किया और उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर कर दी जिसके सरबराह गुलाम इसहाक़ खान थे, उसके अरकान में आगा शाही जो वज़ीर ख़ारजा थे वो थे, डॉक्टर कदीर साहब थे और डॉक्टर अशफाक साहब जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। तो इन लोगों को सपोर्ट किया गया और भुट्टो साहब ने कहा गुलाम इसहाक़ खान को कि इनको पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और कोई ये जो नॉर्मल तरीक़ाकार है फंड्स एलोकेशन का वो भी इस पर लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। तो सबसे पहला जो मरला था वो साइट की सिलेक्शन थी कि किस जगह पर ये एटमी प्रोग्राम हो, तो वो फिर बाकी जगहों के अलावा फिर जब कोटा उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने उसकी को सिलेक्ट किया, पहाड़ी इलाका भी था और असल में जो ये जो प्रोग्राम है उसको पहाड़ के अंदर महफूज समझा जाता है, तो फिर वो बनाया गया और उसके बाद फिर बाकी दुनिया को भी इसकी पता लगा। सर आखिर में बताइएगा कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया उस वक्त सेंक्शंस लगी, माशी बहरान का शिकार रहा, लेकिन पाकिस्तान ने सरवाइव किया। आज हमें 25 साल हो गए, हम एटमी ताकत भी हैं, हम एटमी कुव्वत में जो है बहुत आगे जा चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक से काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन माशी मसाइल का जो है वो आज भी हमारे पास कोई हल नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही उसमें जो पॉलिसियाँ बनी उनके असरात वो अब भी मौजूद हैं, वो शायद आगे भी भुगतना पड़े और इसका डिसक्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाता है, पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने फिर ये बड़े बड़े मंसूबे आप देखते हैं कि जो जरी ज़मीनें थी सारा कुछ मुल्तान में दरख्त काट कर फिर वहाँ ये हाउसिंग अथॉरिटी बनानी शुरू कर दी, वो उससे तो ना वो कारखाना चलता है ना एक्सपोर्ट होती है, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है।
तो ये तरीका और रास्ता गलत था। तो अब मैं समझता हूँ कि इसको भी सीधा करने की कोशिश की जाएगी अगर थोड़ा सा वक्त हो तो। सर आखिर में आपसे मैं पैगाम चाहूँगा, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, हमने देखा कि अक्सरियत अब जो है पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है, वो ये समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर महफूज नहीं है। बतौर एक बुज़ुर्ग मुदब्बर सियासतदान, आपने कई बहारें जो अपनी जवानी की और फिर सारी उम्र की जो है पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तानी सियासत को दे दी, क्या कोई रोशन मुस्तकबिल की किरण कहीं आपको नज़र आ रही है? क्या पैगाम दें इस मुल्क का, रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? माशरों के लिए जो प्रेशर होता है उसमें कुरान का दो लफ्ज़ हैं, इन्ना माल उसरे युसरा, कि हर प्रेशर के साथ आसानी भी होती है, उसके साथ ही होती है, उसके अंदर होती है। तो ये मुसलसल तो कोई प्रेशर में ना कुदरत रखना चाहती है और ना तारीख बताती है हमें कि ऐसे हो सकता है। ये तो आगे हिकमत अमली है कि आदमी कैसे इसको पूरा कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्रेशर का वक्त है वो भी निकल जाएगा, गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ताला बेहतर हालात होंगे। जी नाज़रीन, राजा ज़फ़रुल हक़ साहब ने तारीख़ के कई अहम इनकशफात से पर्दा उठाया, चूँकि ये ख़ुद उस प्रोसेस का हिस्सा थे भुट्टो दौर से लेकर जब इस एटमी प्लान की बुनियाद रखी गई और फिर मियां नवाज शरीफ के दौर तक, जब ये 6 धमाके चाकी के पहाड़ों पर किए गए और दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है। और उसके अलावा उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से भी अच्छी पेशन गोई की, उन्होंने कहा कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।